चैप्टर का नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये चैप्टर आप सभी ने ट्वेल्थ में भी पढ़ा हुआ है। जब ट्वेल्थ में थे तो एक सबसे लास्ट चैप्टर होता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले बुक का, फाइनेंशियल एनालिसिस वाले बुक का, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पहली बात, क्या सर ये ट्वेल्थ के जैसा है? ट्वेल्थ का सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर होगा, एक भी कॉन्सेप्ट ट्वेल्थ वाला नहीं छूटेगा जो हम करेंगे। इसके अंदर कुछ नए एडजस्टमेंट एड ऑन होने हैं, बाकी आपका सिंपली देखा जाए तो वही मेथड रहेगा आपका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग सब कुछ वही है, बस कुछ एक एडजस्टमेंट एड ऑन होने हैं और कुछ एक पॉइंट्स ऐड होंगे, ठीक है। तो सर कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट के दो मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमारे सिलेबस में और हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा और मैक्सिमम क्या 100% ही इनडायरेक्ट मेथड आता है, डायरेक्ट मेथड नहीं आता, ठीक है ना। इनडायरेक्ट मेथड आता है, डायरेक्ट मेथड नहीं आता। तो मैं बात करूँगा इनडायरेक्ट मेथड की ही। कैश फ्लो बनाने के लिए और क्या क्या करना होगा, और ये कैश फ्लो चैप्टर क्यों आया और क्यों बनाया जा रहा है। सबसे पहले देखो, अगर मैं आपके सामने पी एंड एल रखता हूँ, ध्यान से देखना, एक पी एंड एल है, यहाँ पे आप जीपी रखते हो, मान लेते हैं 1000, यहाँ पे आप रखते हो सैलरी, मान लेते हैं 500, यहाँ पे आपने क्या रखा, फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी, मान लेते हैं 200, यहाँ पे आपने रखा डेप्रिसिएशन, तो मान लेते हैं 100 रुपये, और इसको हम 400 कर देते हैं, 4 2 6 6 1 7। इसके बाद यहाँ पे हमने लिखा लॉस ऑन सेल फिक्स एसेट्स पे, मान लेते हैं 200 रुपये या 100 रुपये, 200 ही मान लेते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप बताइए मेरा नेट प्रॉफिट क्या आएगा। ये 1000 इधर लिखा और 1000 इधर लिखा, तो नेट प्रॉफिट क्या आएगा? यहाँ पे आप बोलोगे सर नेट प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 100 रुपये। नेट प्रॉफिट से मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट से मतलब है जितना आपने पैसे कमाए, जितना आपने पैसे कमाए। तो पैसे कमाए का मतलब नॉर्मली क्या होता है, कई बार जैसे दुकानदार ने अगर मैंने 100 कमाए तो मैं चेक करूँगा ना 100 बच रहे हैं नहीं बच रहे। हमारे ड्रॉअर के अंदर, हमारे गले के अंदर, हमारे पॉकेट के अंदर 100 रुपये बचे नहीं बचे। आप सुबह सुबह कोई भी लेके आते हो सामान और दिन भर में बेच देते हो, और बेचने के बाद आप चेक करोगे ना 100 बचे नहीं बचे। तो जब मैं चेक करने गया ना कि मेरे पास 100 रुपये है या फिर नहीं है, तो मेरे साथ क्या हुआ, मुझे 100 रुपये तो नहीं दिखा, मुझे जो टोटल मिला ना वो 100 रुपये के बजाय मुझे 400 रुपये दिखा। जब मुझे 400 रुपये दिखा ना मेरे पॉकेट के अंदर, तो मैं परेशान हूँ कि यार प्रॉफिट कितना था हमारा, 100, सामान भी बिक गया सारा, सामान भी कुछ नहीं बचा हुआ है, और जिस जिस रेट में बेचा है पूरा लिख के भी कर रहे हैं सारी चीज़ें, फिर हमारे पॉकेट में 400 कैसे हैं। तब इसको जब एनालिसिस किया ना हमने कि हमारे पॉकेट में 400 कैसे है, तो हमें पता चला कि सर ये वाला जो हमारा 100 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाया यहाँ पे लिख रखा है ना, इस डेप्रिसिएशन सैलरी लिखा पैसे दिए, स्टेशनरी खरीदा पैसे दिए, लेकिन जो 100 रुपये का डेप्रिसिएशन है ना इसके लिए किसी को पैसे दिए ही नहीं, इसके लिए किसी को दिए नहीं, तो ये बच गए 100 रुपये हमारे पास। हमारे हिसाब से 100 कमाए थे, एक 100 पॉकेट के अंदर और हो गया, कितने हो गए 200। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स भी किसी को दिए ही नहीं, क्या कभी हम किसी को लॉस दे के आते हैं क्या? नहीं देते, तो ये 200। तो अल्टीमेटली मेरे पॉकेट में कितने बच गए, 400। तो यहाँ पे फिर से एक देखा जाए ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट और कैश में
दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्या हम बोल सकते हैं जितना नेट प्रॉफिट होगा उतना ही कैश होगा? तो जवाब है नहीं, कैश ऊपर नीचे हो भी सकता है। तो इसलिए हमने एक्चुअल ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसको जानने के लिए कि हमारे प्रॉफिट और कैश में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ जाता है, तो हमने इसका एक मान लेते हैं रिकंसिलेशन कर लिया। रिकंसिलेशन मतलब स्टेटमेंट में माइनस प्लस। अब इसी को ठीक करना होगा कि बताओ भाई हमारे पता नहीं चल रहा कैश कैसे आया 400, तो हम बोलेंगे भाई नेट प्रॉफिट थे तुम्हारे 100, इसमें जोड़ दो डेप्रिसिएशन जिसमें पैसे नहीं दिए 100, इसमें जोड़ दो आप फिक्स एसेट्स पे जो लॉस था 200 रुपये, तो ऐसे आए आपके जेब में 400। अगर मुझे ये स्टेटमेंट पता चल जाए कि ऐसे ऐसे ये 400 बन रहा है, तो मुझे तसल्ली होगी कि हाँ भाई 100 तो प्रॉफिट था, 400 ऐसे बन रहा है, अच्छा वो वाले भी जुड़े हुए हैं, उसमें पैसे कहाँ दिए थे। तो सेम हमें अपने ऑनर को, अपने मालिक को समझाना होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाम भी चैप्टर का देखो कैश फ्लो, कि कितना पैसा जो हमारे पास दिख रहा है उसके अंदर कहाँ से पैसा आया है या कहाँ से पैसा गया है, क्या क्या रीजंस है, उस सभी के लिए हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में करेंगे। तो इसको और डिटेल में जानने के लिए हमने तो अभी ऐसे कर लिया, और ये पहले हुआ नहीं करता था। जब ये आया तो हमने ऐसे करा था, थोड़ा अच्छा क्लियरिटी नहीं मिला। तो जब कोई चीज़ फर्स्ट टाइम आता है ना, तो उसको हम जैसे मर्जी कर लेते हैं, लेकिन जब ओवर द टाइम बहुत टाइम बीत जाता है तो हम उसको स्पेशलाइज करने लग जाते हैं। स्पेशलाइज इन द सेंस के उसको और अच्छे से और तरीके से, आपको तभी पता होगा कि अच्छा इसमें ये भी कमी है, इसमें ये भी कमी है। सेम आप कभी ना नोट्स बनाना अपने लिए, तो नोट्स बनाओगे तो पहली बार बनाओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, जब उसी नोट्स को आप दूसरी बार बनाओगे तो 100 गलती निकाल दोगे अपने नोट्स में ही, अपने नोट्स में खुद ही निकाल दोगे, अरे इसको ना ऐसे लिखते तो ज़्यादा बढ़िया होता। फिर तीसरी बार ही निकालोगे तो 100 नहीं तो कम से कम 50 गलती फिर निकलेगी, अच्छा इसको और ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं। तो आप 15-20 बार जब वो काम करोगे तो एकदम बहुत प्रॉपर होगा। तो ऐसे ही कैश फ्लो बन रहा था इस फॉर्मेट में, लेकिन धीरे 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 काम होते होते क्या कर दिया गया, इसको बिल्कुल एक ऐसा सिस्टमेटिक तरीके से तैयार कर दिया गया जो कि सभी को समझ में आ जाए। तो सिस्टमेटिक में बोला गया कि भाई हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर पैसे का लेन देन तो होता है और पैसे से रिलेटेड भी पॉइंट्स तो है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि हमें लोगों को अच्छे से समझाना है कि ये जो ऊपर नीचे पैसे का होता है, एक तो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप कुछ काम करते हो तब ऐसा कुछ हो जाता है ये, एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब बताओ, अगर मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब बताऊं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरा का पूरा कनेक्टेड होता है हमारा ऑपरेट करने से। ऑपरेट का मतलब क्या होता है, चलाना। ऑपरेट का मतलब क्या होगा नॉर्मली, चलाना। तो यहाँ पे चलाने से मतलब है जो बिजनेस चलाने के लिए नेसेसरी चीज़ें हैं उसे ऑपरेटिंग में रखा गया है, जैसे सेल, परचेज, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये तो बहुत जरूरी वाली चीज़ें हैं। तो इसे कहाँ रखा गया है, जो कि बिजनेस को चलाने के लिए डेली चाहिए। वैसे तो देखो बिजनेस के लिए हर चीज़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, लोन भी इम्पॉर्टेंट है, फिक्स एसेट्स भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कोर बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो सर बिजनेस को जो मेनली डेली रूटीन वाले काम होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ P&L और ट्रेडिंग में ही होता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को क्या कैटेगराइज कर दिया इन्होंने, कि जो काम डेली रूटीन वाली चीज़ें होंगी ना, उससे अगर पैसे में कोई ऊपर नीचे नज़र आ रहा है हमें, जिसमें पैसा नहीं गया या कुछ चीज़ें हैं, उसको उठा के इन्होंने डाल दिया कहाँ पे। यानी अगर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस से ही सारी जानकारी निकालनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात। सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, बिजनेस में अगर मैं इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट होता क्या है, एसेट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट्स होता है, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, ये सारे एसेट्स हैं।
तो आपके पैसे में कहाँ कम या ज़्यादा हो रहा है और डिटेल जानकारी जानना चाहते हो तो आपको इन्वॉल्व इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का भी बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ऑनर को कि सर ये वाली एक्टिविटी से जो पैसा दिख रहा है ना आपको, ये P&L से आपके थोड़े ऊपर नीचे पैसे हो रहे थे ना, उसकी वजह से यहाँ से आया, और आपने कुछ एसेट्स वैसेट्स बेचा है, हो सकता है ना बिल्डिंग बेच दिया 1 लाख रुपये का, एक का खरीदा था एक का बेचा, नो प्रॉफिट नो लॉस P&L के अंदर तो आएगा नहीं, लेकिन कैश तो आ गया ना। तो सर ये कैश क्यों आ रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। उसके बाद लोन इंटरेस्ट उसके लिए बना दिया गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसके लिए क्या बना दिया गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सर हमें जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है ना वो सारी चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए बनाना पड़ता है, P&L को भी पूरा ध्यान में रखना पड़ता है और साथ के साथ हमें रखना पड़ता है पूरा का पूरा बैलेंस शीट को भी ध्यान में। बैलेंस शीट में सिर्फ 6 ही बातें होती हैं हमेशा याद रखना, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म लोन, एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म लोन कह लो, तीन ही चीज़ें होती है, इसके अंदर बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप नई वाली बैलेंस शीट देख रहे होगे तो उसके अंदर भी आपको बेसिकली वैसे तो 0.4 मैंने लिखवाया था, लेकिन होता तीन ही है काम वाली चीज़, एक इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड और एक नॉन करंट लाइबिलिटी और एक करंट लाइबिलिटी, बस तीन चीज़ें हैं। एसेट्स में हालांकि दो है लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा डालना चाहूँगा, एसेट्स में तीन चीज़ें मैं मान के चलता हूँ, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट को एक अलग कर देते हैं थोड़ा सा, और एक करंट एसेट्स, इसको ना हम करंट लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन को, बोरोइंग को। तो सर क्या इनकी भी डिटेल जानकारी इसके अंदर होगी? हाँ, अब ध्यान से देखना आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सर कौन से आइटम को कहाँ रिलेट करना है। P&L तो चला गया किस में? ऑपरेटिंग में, और ये किससे बनेगा? एसेट्स और यानी जितने भी फिक्स एसेट्स है वो कहाँ चले जाएगा? यानी देखो P&L तो पूरा खत्म कर चुके हैं, अब इसमें से तो ये चीजें खत्म हो गया, इन्वेस्टमेंट जो भी है वो कहाँ चला जाएगा? यानी बैलेंस शीट एसेट साइड पूरा खाली हो गया लेकिन कुछ रह गया। अब आप मुझे बताओ करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटी बनता कैसे है? करंट लाइबिलिटी कैसे बनेगा, कोई एग्जांपल दे सकता है करंट लाइबिलिटी बनता कैसे? कोई भी एक एग्जांपल बताइए, फटाफट कमेंट में लिखिए करंट लाइबिलिटी कैसे बनेगा। सामान खरीद लिया, और कोई एग्जांपल? करंट एसेट्स का भी एक दो एग्जांपल दो। जवाब आए डेटर इंक्रीज, एडवांस रिसीव कर लिया। आप जब भी सोचोगे ना करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग एडवांस एक्रूड जो मर्जी सोचोगे तो उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं डे टू डे रूटीन से ही मिलेगा आपको। आपने बोला सर डेटर को दे दिया, डे टू डे रूटीन का पार्ट है। आपने बोला सर उधार खरीद लिया हमने, क्रेडिटर हो गए, तो डे टू डे रूटीन का, क्योंकि खरीदा तो डे टू डे रूटीन का ही तो पार्ट है। तो इसलिए जब सिस्टमेटिक बनाया गया तो ये दोनों पार्ट भी ना कहाँ पे डे टू डे रूटीन का पार्ट हो गया ऑपरेटिंग का, तो कहाँ शिफ्ट कर दिया गया ऑपरेटिंग में। अब देखो बैलेंस शीट के अंदर कितने चीजें बच गई हैं, दो इक्विटी शेयर और लॉन्ग टर्म, और ये दोनों जब भी कभी ब्याज से लेना देना कुछ होता है ना, ब्याज से मेनली, तो इन दोनों को बनाने के लिए डिटेल में जानकारी के लिए शिफ्ट कर दिया। ये बताओ कुछ बचा? सारा बैलेंस शीट यूज कर लिया, सारा P&L यूज कर लिया। अब आप सोचोगे तो जो चीजें, क्योंकि हमें एकदम स्पेशलाइज तरीके से बताना है सामने वाले को, सर स्पेशलाइज तरीके से कैसे बताएं? मैंने बताया कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इतना है तो आपको समझ जाना है, अच्छा P&L से सारी बातें चेंजेस जो हुआ वो है और इसमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी भी है। मैंने बोला इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से ये फ्लो आ रहा है आपका कैश का, तो आपको समझ जाना चाहिए अच्छा सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आ रहा है मतलब फिक्स एसेट से रिलेटेड जो पैसा कम ज़्यादा हो रहा होगा ना वो है ये, यानी जो कैश कम ज़्यादा हो रहा होगा हमारा। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, अच्छा ये लोन और शेयर कैपिटल से कैश का जो इनफ्लो आउटफ्लो होगा उसके बारे में दर्शाएगा। तो आपको मैं सिंपली बताऊं तो इतने सारे एक्टिविटी के अंदर अगर हमें बनाना हो, क्योंकि हमारे सामने ना पूरी बैलेंस शीट और P&L देगा एग्जामिनर, तो हमें चूज करना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के टाइम पे हम किसको ध्यान में रखें। अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हो और फिक्स एसेट्स को देख रहे हो, क्या होगा सर इसका क्या होगा?
गलत है, कॉन्सेप्ट ही गलत जा रहा है आपका, क्योंकि उस वो फिक्स एसेट्स का सेल परचेज या फिर जो भी एक्टिविटी हो रहा है फिक्स, उससे तो कोई लेना देना ही नहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। या फिर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना रहे हो और आपको डिबेंचर समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएगा, कैसे करें, डिबेंचर बढ़ गया डिबेंचर घट गया, तो कॉन्सेप्ट क्या है आपका, गलत। इसका मतलब सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको बनाना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? एक तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा सर किसका ध्यान रखना पड़ेगा? सर करंट एसेट्स का ध्यान रखना होगा। तीसरा सर किसका ध्यान रखना होगा? सर करंट लाइबिलिटी का ध्यान रखना होगा। यही चीजें तो मैंने लिखवाई थी अभी जो मैं समझा रहा था, यही चीजें बताई मैंने। सर जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे तो किसका ध्यान रखेंगे हम? दो चीजों को यहां पे रखा था, याद होगा तो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हमने दो चीजों को रखा था, किस किस को? एक रखा था कि सर फिक्स एसेट्स को ध्यान में रखना है आपको, दूसरा इन्वेस्टमेंट, और वो भी कौन सा इन्वेस्टमेंट? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैं इन्वेस्टमेंट लिख देता हूँ, तो जनरली जब इन्वेस्टमेंट वर्ड का इस्तेमाल होता है ना तो हमेशा वो लॉन्ग टर्म ही होता है इन्वेस्टमेंट। सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी को बनाने के लिए किस चीज़ें को ध्यान रखना है? यहाँ पे भी दो चीज़ें था, किस किस का? इक्विटी, शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर फंड कह लो, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग या नॉन करंट लाइबिलिटी कह लो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मैं अभी ऐसे अपने वर्ड लिख रहा हूँ जैसे जैसे याद आ रहा है वैसे लिख रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सर कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब कितना इनफ्लो हुआ कितना आउटफ्लो हुआ, इनफ्लो वालों को ऐड कर देते हैं आउटफ्लो वाले को माइनस कर देते हैं, तो प्रिपेयर हो जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी 100% सही नहीं है, ठीक तो है। आपका इनफ्लो और आउटफ्लो वाला कॉन्सेप्ट यहां लगता है, आपका इनफ्लो और आउटफ्लो वाला कॉन्सेप्ट यहां लगता है, लेकिन आपका इनफ्लो और आउटफ्लो वाला कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग में नहीं लगता। इस बात को ध्यान रखना, थोड़ा लगता है थोड़ा नहीं लगता। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि देख रहे हैं पहले ट्वेल्थ में अपने अपने अलग अलग स्टाइल से, क्योंकि ना वो चैप्टर थोड़ा सा जब मैं बताता हूँ तो मेरे लिए भी मुश्किल है और बच्चों को भी ऑब्जर्व करना मुश्किल है जिन्होंने ट्वेल्थ क्लास पढ़ा है अपने हिसाब से, चाहे जहाँ भी पढ़ा है अपने हिसाब से अच्छे से ही पढ़ा है, वहाँ का कॉन्सेप्ट थोड़ा मेमोराइज रहता है ना, तो उस चीज़ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उसको इरेज करना। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ और वो फैक्ट के साथ लेके चलूँगा मैं। अब मुद्दे की बात आती है कि सर इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो, अब मैं आपसे सिंपल बोलूं, अगर इनफ्लो हुआ तो प्लस करना इसमें, और अगर आउटफ्लो हुआ, हम पूरा फॉर्मेट भी करेंगे, इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाला, आउटफ्लो हुआ तो क्या करेंगे हम? माइनस। यहां पे इनफ्लो हुआ तो, यहां पे आउटफ्लो हुआ तो, आउटफ्लो का मतलब पैसा गया। अब मान लो मैंने लोन ले लिया बैंक से, लोन लिया है बैंक से मैंने, बताओ पहले, सबसे पहले तो बताओ किसका पार्ट होगा ये? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। लोन ले लिया हमने, अब बताओ इसमें पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है? इनफ्लो हो रहा है तो प्लस होगा यहां पे, मान लेते हैं मैंने एक एसेट्स बिल्डिंग बेच दिया, अब बताओ क्या हो रहा है? पहले तो बिल्डिंग बेचा है तो आप ये डिसाइड करिए किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, और बिल्डिंग जब हमने बेचा तो पैसा तो रिसीव होगा, प्लस कर देंगे। अगर बिल्डिंग मैंने मान लेते हैं फर्नीचर खरीद लिया, तो सबसे पहले तो डिसाइड करो किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है। अब जब आपने खरीदा तो पेमेंट क्या किया होगा, दे दिया होगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस, आउट। अब ऐसे ही मैंने बोला मैंने इक्विटी शेयर इशू कर दिए, पहले मेरा इक्विटी शेयर 1,00,000 का था, अब 2,00,000 का, तो सबसे पहले दिमाग में हिट करो कि भाई किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का। अब इक्विटी शेयर इशू करा होगा तो क्या पैसा आया या गया ये चेक करो,
पैसा रिसीव हुआ है अमाउंट, तो इसका मतलब वो क्या होगा, इनफ्लो, और यहाँ प्लस होगा। फॉर्मेट में पूरा करेंगे, लेकिन टेंटेटिव एक आपके माइंड में स्ट्रक्चर तैयार हो जाना चाहिए कि इसका हमारा यहाँ पे ट्रीटमेंट है। अब एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करते करते कुछ ना कुछ तो लास्ट में डिजिट आएगा। तो ये वाला इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ना 90% चांस है कि माइनस में आएगा, और आपने ट्वेल्थ में किया भी होगा, बार बार माइनस में आते हैं। और फाइनेंसिंग का कुछ भी नहीं कह सकते, माइनस प्लस दोनों है, कुछ भी नहीं कह सकते। आप मुझे बताइए कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब माइनस में आएगा तो हमारे बिजनेस के लिए ठीक है, या जब प्लस में आएगा तब ठीक है? बताइए, बताइए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस में जब आएगा, मैंने कहा कि मैंने अगर माइनस इसके अंदर देखो, अगर आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस और इनफ्लो हो रहा है तो प्लस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए इनफ्लो का पार्ट ठीक होता है या आउटफ्लो का पार्ट ठीक होता है? रीजन बताइए क्यों। माइनस मीन, माइनस मीन क्या होता है, घटा, माइनस करना, ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट करना कह सकते हो, जो हम करते हैं कैलकुलेशन में वही माइनस है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपका जब माइनस में आएगा तो हमेशा ठीक माना जाएगा, क्योंकि समझो लॉजिक, अगर प्लस में आ रहा है तो यानी अपने बिजनेस के सारे एसेट्स बेच रहे हो आप। जब अपने बिजनेस का आप सारे एसेट्स बेच रहे हो तो बिजनेस चलेगा कैसे? इसका मतलब आपका बिजनेस ठीक ठाक नहीं है। लेकिन अगर प्लस में, अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब आप एसेट्स को क्या कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, खरीद रहे हो। और बिजनेस के अंदर एसेट्स को खरीदना क्या बेकार माना जाता है? ठीक माना जाता है। तो इससे बिजनेस का हेल्थ क्या है, ठीक है, ठीक है ना। तो इस बार एग्जाम जो हुआ था अभी, तो उसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर स्पेशली एक क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाओ, तो हम करेंगे धीरे धीरे सारा। अब सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पी एंड एल, अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी की मैं बात करूं पी एंड एल, तो बड़े ही सिंपल सी बात है, क्या सैलरी वेजेस ये सब कुछ कंसीडर करेंगे? नहीं। जिस चीजों के बारे में हमें पता है कि भाई सैलरी में पैसा गया है तो हमें चिंता ही नहीं है, जिस चीजों के बारे में पता है कि यहां से पैसे आया हमें चिंता ही नहीं है, ऐसा पॉइंट जो कि हम कंसीडर करना भूल जाते हैं। तो पी एंड एल के अंदर कई बार हमारे दिमाग से निकल जाता है जिसमें एक्चुअल पैसा गया नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कुछ ना कुछ कर रखा है पी एंड एल में, जैसे कि नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम। सर नॉन कैश आइटम कौन सा है? नॉन कैश आइटम हमारा है, मैं लिख देता हूं, नंबर वन डेप्रिसिएशन। आपको मैं समझाता भी हूं कि मान लेते हैं मैंने लिखा था सैलरी, और मैंने यहां याद होगा लिखा 400, और यहां पे जीपी लिखा था मैंने 1000, तो आपको सैलरी में दिक्कत थोड़ी ना थी, आप समझ रहे थे कि सर डेप्रिसिएशन में पैसा नहीं गया, इसकी वजह से प्रॉफिट मैच नहीं हो रहा। तो नॉन कैश आइटम। नंबर दो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। नंबर तीन गुडविल, रिटर्न ऑफ। देखो वैसे तो गुडविल रिटर्न ऑफ क्या होता है, पहले गुडविल ज्यादा था, अब गुडविल को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो इसका मतलब पहले 1,00,000 की आपकी फर्म की गुडविल थी, अब गुडविल बच गई आपके फर्म की मान लेते हैं 90,000 की, तो इसका मतलब 10,000 का तो नुकसान हो गया ना मेरे गुडविल का, तो उस नुकसान को हम पी एंड एल में डाल देते हैं। लेकिन उस 10,000 रुपये के बदले किसी को पैसे दे के आए क्या? नहीं दिया, इसलिए डिफर आ रहा होगा पैसा मेरे पॉकेट वाला और नेट प्रॉफिट वाला। तो ये वो सारे आइटम हैं, और भी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ज़्यादा बातें लिख के नहीं कंक्लूड मतलब कंफ्यूज करूँगा, ऐसे ही आपके बड़े सारी चीज़ें आते हैं, तो लेकिन बस नॉन कैश आइटम में आपको इसका ध्यान रखना है। ऐसे ही आपका कुछ पूछोगे बड़ी सारी चीज़ें क्या आ सकता है,
लॉस बाय फायर हो सकता है, माल जल गया, नुकसान है, पीएनएल में तो दिखाते हैं दिखाते हैं, क्या इसमें पैसा हमारा जाता है क्या? नहीं जाता। तो आपको पता चल जाएगा वो चीज़ें। सर और क्या ध्यान में रखना है? ऐसा इंफॉर्मेशन पीएनएल में, क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा बना रहे हैं, डिटेल में बना रहे हैं, एकदम स्पेसिफिक, तो ऐसी जानकारी, क्योंकि ना इससे ना हमेशा इनकम जनरेट होता है और इससे हमेशा पेमेंट होता है खर्चे का। मैंने बोला रेंट मकान ले लिया 10 साल के लिए, किराए पे दे रखा है, इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, वहां से रेंट आ रहा है, और वो रेंट कहां दिखा रहे हैं? पीएनएल में दिखा रहे हैं ना। से मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर ले लिए, ब्याज आ रहा है, वो ब्याज कहां दिखा रहे हैं? दूसरे साइड हम चले, हम इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हैं, एक्सपेंस यहां दिखा रहे हैं डिविडेंड। उसके बाद और क्या हो सकता है? लोन का ब्याज पेमेंट कर रहे हैं, कहां दिखाएंगे हम? एक्सपेंस। तो इसका मतलब जब आप डिटेल और स्पेसिफिक की बात कर रहे हो यहां पे, तो हर चीज का डिटेल और स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी पीएनएल के हमें बोला गया पीएनएल को जज करना है अच्छे से, तो जब पीएनएल को जज करने की बात आई तो यही बताया गया कि सर पीएनएल में अगर कोई ऐसी जानकारी है जो कि इस या इस एक्टिविटी से रिलेटेड है, उसको यहां से हटा दो और उसको वहीं पे ले जाके शिफ्ट कर दो, ताकि हमारा क्या हो जाए, बिल्कुल डिटेल स्पेसिफिक हो जाए। जैसे मान लो यहां पे आपने लिखा है सर इंटरेस्ट पेड, तो इंटरेस्ट पेड ठीक है, पैसा गया, एग्री करते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली कहां से रिलेटेड है? तो आप यहां पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते टाइम पे इस इंटरेस्ट को हटा दो। आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर इंटरेस्ट लिखता हूं 200 रुपए, तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितने का है? 800 का। ये बात ट्रू है अभी के एग्जाम्पल को देख के, मेरा प्रॉफिट 800 का है, मैं मैच कर सकता हूं। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट सीख रहे हैं और डिटेल कैश फ्लो स्टेटमेंट सीख रहे हैं, तो मतलब सर ये वाला ना, इसको ना यहां से हटा दो। हम पीएनएल को जजमेंट क्या कर रहे हैं? इस वाले इंटरेस्ट को हटाओ। अगर इस वाले 800 में से अगर आप इंटरेस्ट हटाओगे, मैंने 800 गलत लिख दिया, प्रॉफिट कितना आएगा हमारा? 1000 में से 600, 400। 400 में से अगर मैं बोलूं कि इंटरेस्ट को हटाओ, तो आप मुझे बताइए 400 रुपए में से इंटरेस्ट को हटाने के लिए क्या करोगे? ऐसा तो कितना प्रॉफिट आएगा अगर 400 में से इंटरेस्ट हटा देते हैं? तो जवाब होगा सर 400 में से इंटरेस्ट जब आप हटाओगे, 400 रुपए से जब इंटरेस्ट हटाओगे, तो आपका 200 रुपए का इंटरेस्ट मैंने लिखा है, यहां पे मैंने कुछ और लिख दिया, इंटरेस्ट लिख देते हैं, 200 रुपए का इंटरेस्ट लिखा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 600 रुपए। और अगर 600 रुपए मेरा प्रॉफिट आया, तो मतलब जुड़ रहा है। तो इसलिए बोला गया यहां पे कि ऐसा एक्सपेंस रिलेटेड टू फाइनेंसिंग, अगर कोई खर्चा आपको पीएनएल में दिखे जो कि किससे रिलेट करता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, तो उसको क्या कर दीजिए? यहां पे जो मैंने ये वाला पॉइंट लिखा है ना, इसको तो मैंने बताया नहीं कि इस आइटम को ध्यान रखना है, तो बस इस आइटम को स्टेटमेंट में हम ऐड करके चलेंगे। तो सर इसको भी क्या करना है आपने? इसको भी ऐड कर देना है। इसको भी क्या करना है आपने? तो सर कुछ एग्जांपल हो जाए कि ऐसा खर्चा जो फाइनेंसिंग रिलेटेड से, बहुत सारे एग्जांपल मैं लिख देता हूं यहां पे, क्या हो सकता है? डिविडेंड क्या हो सकता है हमारा? हमारा हो सकता है यहां पे डिविडेंड के अलावा, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, ठीक है। नंबर 3 हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम पेमेंट हो रहा हो, अगर आपने खर्चा माना। वैसे तो सिक्योरिटी प्रीमियम खर्चा तो होता ही नहीं, आपको भी पता है सिक्योरिटी प्रीमियम कहां चला जाता है? हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है आपका? कोई भी फाइनेंसिंग से रिलेटेड हो, डिविडेंड तो मैंने ले ही लिया, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, तो बाकी 2 ही चीजें लिख देते हैं। वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम आ सकता है, लेकिन अभी हम उसकी डिस्कस नहीं करेंगे, कंफ्यूज नहीं करना चाहता, आपको सिंपल सिंपल चीजें बताना चाहता हूं जिससे पता चल जाए। सर इसका मतलब तीसरा हिस्सा भी होना चाहिए। तीसरा हिस्सा क्या होना चाहिए? क्योंकि ये वाला पार्ट अगर कोई पीएनएल में है, इसका कुछ भी पॉइंट्स, तो हमने यहां से हटा दिया। आगे हम देखते हैं यहां पे इनकम वाले की बात करते हैं। तो अगर कोई भी इनकम रिलेटेड होगा, किससे रिलेटेड होगा?
इनकम तो सर यहां से हो ही नहीं सकता, इनकम कहां से होगा, इन्वेस्टिंग से होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, उसको माइनस कर देना है, क्योंकि इनकम आपने क्रेडिट साइड में लिखा होगा जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, तो उसे हटा दो, तो यानी माइनस कर दो। तो जब माइनस करेंगे हम, तो माइनस करने में क्या क्या होगा, दिमाग लगाते हैं, क्या क्या हो सकता है, रेंट रिसीव, नंबर दो, डिविडेंड रिसीव, नंबर तीन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, बैंक से जो ब्याज मिला है एफडी पे, इंटरेस्ट रिसीव, एफडी भी तो इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी, तो बड़े सारी चीजें आ सकते हैं। जब बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आपको फॉर्मेट तो पूरा मैं लिखवाऊंगा ही, कोई दिक्कत ही नहीं होना। तो सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए अभी हमने बस P&L को एनालिसिस किया है, अब रह गया करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी। जब मैं फॉर्मेट बनाऊंगा उसके अंदर कवर कर लूंगा, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं कि मुझे बताना पड़े, ठीक है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी, इसके अंदर P&L में ज्यादा मेहनत थी। तो सर P&L के अंदर हमें ध्यान रखना है, जब कभी भी एग्जामिनर हमें P&L देगा तो P&L देते टाइम पे हम उसमें से किन किन चीजों को छांट लेंगे, एक तो नॉन कैश आइटम को छांट के ऐड बैक कर देंगे, एक एक्सपेंस रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी को छांट के ऐड कर देंगे, और एक हम इनकम रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को उसमें से निकाल के और फिर उसको माइनस कर देंगे। किसमें से मिलेगा ये सारी बातें, ये P&L में मिलेगा। तो सर आपने अगर यहां से फाइनेंसिंग एक्टिव वाले खर्चे को निकाल बाहर फेंका P&L को, तो इसकी कोई जगह तो होगी, हाँ इसको निकाल के यहां से तो बाहर कर रहे हैं, लेकिन वापस ले जाके ऐड बैक या माइनस जो भी होगा वो कहां कर देंगे, फाइनेंसिंग, क्योंकि फाइनेंसिंग वाली चीजों को निकाला है वहां पहुंचा दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहां से छूट गया, उसे वहां से ले जाके वहां ले जाएंगे। सेम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाले इनकम को बाहर कराए तो यहां से उठा के दूसरी जगह ले जाएंगे, बताइए कोई दिक्कत। तो इसका मतलब सिंपल सी बात करूं सर, तो इसके ऊपर होने वाला है, स्टार बना देते हैं, एडजस्टमेंट, डबल एंट्री होगा, यहां से हटा के दूसरी जगह ले जाना है, जहां डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट आता है, तो थोड़ा सा इन एडजस्टमेंट बिल्डअप हो जाता है। क्या इसमें भी एडजस्टमेंट होगा, कुछ पॉइंट्स पे हो सकता है इसमें भी एडजस्टमेंट। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मोटा मोटी आपको समझाया कि सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, करंट एसेट्स देखना है, करंट लाइबिलिटी देखना है, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए फिक्स एसेट्स, और यहां पे सिंपल सा फंडा है, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये चीजें इससे रिलेटेड है, क्योंकि फिक्स एसेट्स है, उसके अंदर आप थोड़ी ना जोड़ दोगे कोई चीजें। फिक्स एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और घट रहा है फिक्स एसेट्स तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लॉजिक यही होता है, बढ़ रहा है तो खरीद रहे होगे तुम, और घट रहा है तो आपने बेचा होगा, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये रहेगा। तो एक बार फटाफट से ये फॉर्मेट जो मैंने थोड़ा सा बनाया ये नोट करिए, फिर हम आगे चलेंगे। किस पे चलेंगे, आगे चलेंगे हम इसके पूरे फॉर्मेट पे, तीनों एक्टिविटी का जो बनता है ना, आपको तो याद होगा थोड़ा बहुत, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तब जाके हम इसके एडजस्टमेंट पे पहुंच पाएंगे। नोट करिए, किसी का अगर कोई और भी क्वेरी हो, इतना समझाया है मैंने कि सर ऐसा क्यों हुआ, तो आप पूछ सकते हो मुझसे।